दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी गर्ल के बारे में जिन्होंने 18 दिनों में 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और 400 मीटर की रेस में अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे हिमा दास के बारे में जिन्होंने एक गरीब परिवार से निकलकर आज सारे हिंदुस्तानियों के दिल में अपनी जगह बना ली है और उन सबको बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कराया है। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को एक ढींग नाम के छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रंजीत और इनकी माता का नाम जोनाली है। इनका परिवार किसान के तौर पर अपनी जिंदगी चलाता है। हिमा दास ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी दुनिया में मशहूर है। इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन ढींग पब्लिक हाई स्कूल से की और वो वहाँ पर फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड थी और वो लड़कों के साथ भी फुटबॉल खेलती थी। मगर एक दिन जवाहर नवोदय विद्यालय के टीचर शामसुल शेख ने इनकी तेजी को देखते हुए इनको स्प्रिंटिंग में जाने के लिए कहा, मगर रनिंग के लिए ट्रैक ना होने के कारण भी इन्होंने हार नहीं मानी और फुटबॉल ग्राउंड पर ही अपनी स्प्रिंटिंग की तैयारी शुरू कर दी और इन्होंने अपने पहले ही मैच में ब्रोंज मेडल हासिल कर लिया और उसी साल ये 100 मीटर रेस की फाइनलिस्ट भी रही और 200 मीटर की एशियन यूथ चैंपियनशिप बैंकॉक में जो होने वाली थी उसमें भी हिमा दास ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने उस कंपटीशन में 7th पोजीशन पर खत्म किया और उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया जो नैरोबी में हुए थे और उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 5th पोजीशन पर अपने टूर्नामेंट को खत्म किया। छोटे छोटे टूर्नामेंट्स खेलने के बाद हिमा दास ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया जिसमें हिमा दास ने 400 रिले रेस में पार्टिसिपेट किया और उस कंपटीशन में हिमा दास ने 6th पोजीशन हासिल की। मगर जो प्लेयर गोल्ड मेडल जीती थी उनके और हिमा दास के बीच में डिफरेंस 1.17 सेकंड्स का था। उसी साल 12 जुलाई 2018 को हिमा दास ने अपनी पहली अचीवमेंट ली। उन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 400 मीटर रेस में अपना पहला मेडल जीता और वो पहली इंडियन बनी जिन्होंने इंडियन स्प्रिंटर के तौर पर किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कोई गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद 2018 एशियन गेम्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, 400 मीटर रेस को 51 सेकंड्स में कंप्लीट कर न्यू इंडियन रिकॉर्ड बनाया और 26 अगस्त 2018 को ही इन्होंने वर्ल्ड बेस्ट रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। हिमा दास ने 18 दिनों में 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। उन्हें अपना पहला गोल्ड मेडल 200 मीटर की रेस में जो पोलैंड में हुई थी उसमें 23.65 सेकंड्स में कंप्लीट कर गोल्ड मेडल जीता था और उन्होंने अपना दूसरा गोल्ड मेडल 7 जुलाई को कुटनो एथलेटिक मीट में जो पोलैंड में ही हुई थी 23.97 सेकंड में कंप्लीट कर जीता था। इन सबको मिला के अब इन्होंने 5 गोल्ड मेडल लगातार जीत लिए हैं और इनका 400 मीटर रेस में बेस्ट रिकॉर्ड भी 50.79 सेकंड्स है जो कि इन्होंने जकार्ता एशियन गेम्स में बनाया था। जो लड़की कभी अपने लिए अच्छे जूते भी नहीं ले पाई आज वो देश और विदेश में छाई हुई है। हिमा दास पर कितनी भी मुसीबत आई उन्होंने उन सबको ओवरकम किया और अपने गोल को अचीव किया। हम आशा करते हैं वो आगे भी इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती रहेंगी और अपने देश को उन पर गर्व कराएंगी। आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो को लाइक कर बिना तो कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के आइकन को भी जरूर दबा देना। इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।